गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और अभी जस्ट मैं सो के उठा, फ्रेश हुआ तो वीडियो भी अपलोड हो गई है। वीडियो जाके ज़रूर देखना और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो और प्लीज़ व्यू आओ देखो ब्लॉग कैसे लग रहा है, कमेंट में आके ज़रूर बताओ। तो चलो जाके चाय नाश्ता, दूध वगैरह तो सब भाई बिस्किट लेकर आते, चाय नाश्ता वगैरह करेंगे फटक से। भाई इतना मस्त नींद आया था ना, वाह। आपको मच्छर बहुत काट रहा आज कल यहाँ पे। वो रात को मैं उठा था 3 बजे तो सब किया यार पूरा, मतलब मच्छर की वजह से। तो चलो चाय नाश्ता वगैरह करते हैं। चलो मेरा चाय बिस्किट आ गया है, मस्त चाय बिस्किट खाते हैं मस्त। आज मैं अलग अलग बिस्किट ट्राई कर रहा हूँ। किसका वाईफाई लग रहा है, इतना सारा वायर है, आगे लग रहा है किसी का वाईफाई। ऐसा पूरा लंबा वायर है, मेरा ऊपर से आया है, इनका इधर से आया है। सही है, बाहर खाना छोले भटूरे। तो चलो खाते हैं। और इधर का छोले भटूरे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये पूरा मेन हाईवे पे है ना, इसके वजह से पूरा छोले भटूरे एकदम मस्त लगता है। अभी मैं इसे बाहर बैठा हुआ था, मेरे एक फ्रेंड ने ये बांध के गया, आज फ्रेंडशिप डे ना इसके लिए। भाई क्या अच्छा लग रहा है। अभी और 2-3 फ्रेंड मिलेंगे तो भी बांध देंगे। स्कूल के फ्रेंड्स बहुत बहुत मज़ा आता था उनके साथ फ्रेंडशिप डे मनाने में। ये दिन ना स्कूल के दिन से अच्छा है। स्कूल का दिन 2 हो गए, अभी देखो अब शाम तक कितने होंगे, अभी तो 2 ही हुए हैं। तो अभी हम लोग टॉमी को उसके बांध रहे हैं। फ्रेंडशिप का बैंड का रोल खरीदने, मतलब रोल खरीदने फ्रेंडशिप बैंड। तो चलो जाके फटाक से जाके आते, ज़्यादा टाइम नहीं, बस 10 मिनट में आ जाऊँगा लेके। तो चलो फटाफट चलते हैं। सब काट के अलग अलग कर लिया, अभी सब जाते हो जीजू मेरे को। तो मेरे फ्रेंड से सबको हैप्पी फ्रेंडशिप डे करके आता हूँ। और जो मेरा फ्रेंड मेरा ब्लॉग देख रहा है उसको मेरे तरफ से हैप्पी फ्रेंडशिप डे। तो आज मिल नहीं पाया इसके लिए सॉरी। तो चलो जो मिलेगा उसको हैप्पी फ्रेंडशिप डे का बैंड बांध देंगे। उसको भी ये बांध दिया है, अभी और जो फ्रेंड मिलेगा उसको भी बांध दूंगा। हाँ क्या भाग क्यों रहे, रुको। अरे अरे कंट्रोल बजरू कंट्रोल। गाइस देखो ये मतलब बोलना चाहते हैं कि अगर पेट रहेगा तभी पैसा आएगा, मतलब इनका कहने का मतलब अगर पेट रहेगा तभी पैसा आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पैसा कमाओगे तभी पेट भरोगे। तो आप लोग कमेंट में बताओ पैसा इंसान पैदा होगा तभी उसको पेट आएगा, तभी उसको भूख लगेगी, तभी वो काम पे जाएगा, पैसा कमाएगा। लेकिन पैसा कमाएगा तभी पेट भरेगा ना। गाइस आप लोग कमेंट में बताओ कि ये सही है कि मैं सही हूँ, ठीक है। तो ये ध्रुव की दोस्त पिंकी, मतलब दोस्त नहीं है वो लड़का है, मेल है। देखो ध्रुव की दोस्त मेरी दोस्त है, अंकित की दोस्त है। पिंकी किसकी दोस्त है तू बताना, सच बताना, ध्रुव की ना। देखो हाँ बोल रहे, देखो गाइस ध्यान से, देखो हाँ बोल रहे। नहीं नहीं बोल रहे यार, क्या आपकी दोस्त है, आपके पास में रहती है, पास में रहने से ऐसा कुछ नहीं होता। और मैं अभी वड़ा पाव खा रहे, तो चलो फटाफट फिनिश करते हैं। मैं इसी बैठ के झूला झूल रहा था, भैया और दोस्तों का प्रैक्टिस वैक्टिस कर रहे हैं। मेरा पासवर्ड में भी झूल लेता हूँ, भैया बोले ठीक है झूल लो। वड़ा पाव खाने के बाद मस्त अभी आराम से झूल रहा हूँ। क्या हवा आ रहा है इधर आने जाते, एक अलग ही शांति मिलती है। हाँ पर डर भी लगता है। बाग अभी ना मतलब ना मैं आ रहा था तो मेरे आगे 2 आंटी थी, तो उनको मैं सोचा डरा दूँ, मतलब कि भाग आया ऐसे ऐसा, पर वाला जान दो कौन डराए। चलो झूलते हैं थोड़ा।
तो और मेरा भैया भैया का भी शूट हो गया है और अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे। तो चलो चलते हैं, 6 बज गए, लेट भी हो गया बहुत, घर पे काम भी है ना इसके लिए। बोल बोल। तो अभी मैं तकेश भैया से मिला, बहुत बड़ा फैन था, तो आज फाइनली तकेश भैया ने मेरे को अपनी गाड़ी में बुला के पर्सनली बिठाया, तो थैंक यू भैया। तो चलो फिर अब चलते घर की तरफ। चलो बाय। अभी भैया ने एक ये लगवाया, अभी फिर से एक और ये लगवा रहे। वाह, मतलब इसमें क्या गाड़ी के ऊपर मिट्टी ज़्यादा नहीं आएगी, जो इंजन गंदा हो जाता है वो गंदा ही नहीं होगा। दूध ले लिया है, चलो चलते हैं घर पे। घर में जाके कुछ थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे, बताना है कुछ तो चलो चलते हैं घर पे। तो अभी मैं आपको बताता हूँ मुझे थकेश भैया कैसे मिले। मैं एक्चुअली हेमंत भैया के साथ जब घर पे की तरफ आ रहा था तो मुझे रास्ते में दिखे, तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, यहाँ पे मतलब यहाँ पे ट्रैफिक हो जाएगा तो साइड में आ जाते। तो साइड में गए, हम उनके गाड़ी में बैठे, भैया के साथ थोड़ा बातचीत हुआ, वीडियो आपने थोड़ा सा क्लिप देखा ही, छोटा सा क्लिप लिया मैंने, ज़्यादा बड़ा क्लिप नहीं दिया। आपने क्लिप देख के आपको कैसा लगा कमेंट में आके ज़रूर बताना, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। ऐसे कोइंसिडेंसली मेरे को भैया दिखे, मैं बोला भैया ये, भैया ये, भैया ये, हेमंत भैया बोला भैया ये, हेमंत भैया बोले हाँ भैया ये। तो फिर हम टर्न मार के गाड़ी साइड में खड़ा किए, गए उनसे मिले वगैरह, बातचीत वगैरह किए। तो अभी जस्ट लोग घर पे दूध वगैरह चाय वगैरह बनाने को रख दिया और अभी जस्ट बैठा हुआ ऐसे ही। तो अच्छा लग रहा है आज मिलके, और मेरे इतने 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 मतलब इतना खुशी हो रहा है ना मुझको आज, इतना उनसे मिलके नाचने का मन कर रहा है सही में। मैं कितने दिन से प्लान कर रहा था कभी ना कभी मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने उनके 2-3 रील्स देखे थे ना आसपास के, इसकी वजह से मतलब मेरे को लगा कि यहीं कहीं होंगे, दिख जाएंगे, कभी गलती वलती से दिख गए। मैं से रास्ते में उनको ढूंढ भी रहा था, एक्चुअली मैं आते टाइम रास्ते में उनको ढूंढ भी रहा था पर वो दिखे नहीं। तो अभी नाचने का वक्त ऐसा कर रहा था। तो चलो चाय नाश्ता वगैरह करते हैं, और ब्लॉग मेरे 173 सब्सक्राइबर हो गए, और आप सभी का सपोर्ट इतना अच्छा है कि मेरे को 173 सब्सक्राइबर मिल गए। तो ऐसे मुझे सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो चलो चाय नाश्ता वगैरह करते हैं। क्या मौसम हो रहा है भाई, अभी तो इतना अच्छे से शाम भी नहीं हुई, इतना मस्त मौसम, क्या कत्ते जहर लग रहा है ये। क्या मौसम हो रहा है भाई, अभी तो इतना अच्छे से शाम भी नहीं हुई, इतना मस्त मौसम, क्या कत्ते जहर लग रहा है ये। माँ बाप लेके इसको फुल बना रहे, अभी जाएंगे बांधने, क्योंकि सुबह से ला के रखा है थैली में भर के, और ये बोलता है तूने बहुत बड़ा काट दिया, इतना बड़ा हाथी का, हाथी का किसी का जिसको लगाएगा, इतना बड़ा बड़ा काट दिया है। आचरी मेरा कैंची दुख है, इससे फास्ट कटेगा, मेरा कैंची दिखा तो। अभी मैं टोपी बना रही हूँ, टोपी, अरे घर चेंज कर दिया उसने, मेरा एक फ्रेंड है ना उसने घर चेंज कर दिया शायद, तो उसके घर पे जा रहे। चलो ए भाई कहाँ लेके आ गया आज ना, ये दाल ना पप्पा ने बनाया, क्या मस्त लग रहा है, तो चलो खाते मस्त। कभी दाल चावल बन गए, पप्पा ने दाल फ्राई किया था मस्त, और दाल चावल खाते हैं चलो फटाक से, बहुत लेट हो गए। अभी खाना वगैरह हो गया और अभी जा रहा हूँ मस्त सोने, और इतना अच्छा नींद आएगा ना भैया आज, सबसे मतलब सबसे अच्छा लग रहा है मेरे को थकेश भैया से मिलकर, सबसे अच्छा लग रहा है ये हेमंत भैया, और मैं थकेश भैया से मिल गया। हेमंत भैया का तो पहले से अच्छा खासा बातचीत है, और आज थकेश सर से मिल गया तो अच्छा लगा। तो चलो आज का ब्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं, आई होप मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया, तो लाइक करना, चैनल पे न्यू सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।